हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ सेवैयाँ का जर्दा बनाने की रेसिपी। मैंने आज कुकर में पहली बार बनाया है। मैं खुद भी नहीं जानती कि कुकर ओपन करने के बाद क्या रिज़ल्ट आने वाला है, तो चलो देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है कट सेवैयाँ। ये जो नॉर्मल बारीक वाली सेवैयाँ होती है, ये वो वाली नहीं है, ये सेवैयाँ अलग है थोड़ी। तो ये मैंने दो बाउल भर के लिए है। हर चीज़ में परफेक्ट मेज़रमेंट से बताऊंगी और इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगी। दो बाउल सेवैयाँ लिए मैंने और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। मुझे लगता है मैंने इतना जो घी डाला ये भी ज़्यादा है, इससे कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें हमें सेवैयाँ को सेक लेना है। इसे मैं तब तक सेकूँगी जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्की सी ब्राउन ब्राउन हो गई है। बस अब हम इसे हटा लेंगे यहाँ से और अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें कितनी शुगर डालना है, कितना पानी डालना है, सब कुछ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो दो बाउल सेवैयाँ बनाने में मैंने टोटल आधा बाउल घी का यूज़ किया है। थोड़ा घी मैं पहले डाल चुकी हूँ, थोड़ा मैंने अभी डाला है। और अब हमें जो भी ड्राई फ्रूट डालना है उससे मैंने इसमें घी में डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। अब जिस बाउल से सेवैयाँ ली थी उसी बाउल से 3 बाउल पानी डाला है मैंने। 2 बाउल सेवैयाँ ली थी, 3 बाउल वाटर डाला है मैंने और 1 बाउल भर के शुगर डाली है। 2 बाउल सेवैयाँ पर 1 बाउल शक्कर डालेंगे आप तो परफेक्ट मीठा बनेगा। और ये मैंने खाने वाला ऑरेंज कलर डाल दिया है इसमें, जो भी कलर आपके पास हो वो वाला डाल सकते हैं। अब इसमें उबाल आ गया है, अब मैंने इसमें डाल दी है जो हमारी फ्राई की हुई सेवैया थी वो। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, इलायची तो डालना ज़रूरी है। तो बस अब हमारी ये सेवैयाँ लगभग रेडी है। इसका लीड लगा देंगे और इसमें 1 विसिल आने देंगे। अगर आप चाहे तो 1 विसिल से पहले भी निकाल सकते हैं। और अब मैंने इसे खोल लिया है और ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत टेस्टी दिख रही है। और आप देख सकते हैं नीचे चेटी भी नहीं है क्योंकि इसे मीडियम फ्लेम पर मैंने रख रखा था, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पका इसे। मैंने जो मेज़रमेंट बताया है उस हिसाब से बनाए आपकी सेवैयाँ बहुत परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।